सर भाईजान के ट्रेलर आने के बाद से पठान से काफी ज्यादा कंपेयर किया जा रहा है बॉक्स ऑफिस पर, आप क्या कहेंगे? जी हाँ, देखिए कई लोग ऐसा लगे हुए हैं कि पठान का रिकॉर्ड टूटेगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, भाईजान बॉक्स ऑफिस फाड़ देगी, ये कर देगी। देखिए अच्छी बात है, सलमान खान की फिल्में ईद पे आती हैं, हमेशा जबरदस्त कमाई करती है। भारत वगैरह का आप देखेंगे 40 करोड़ के ऊपर ओपनिंग ली थी शायद साल 2019 में आई थी फिल्म, ईद के मौके पर आई थी। लेकिन किसी का भाई किसी की जान के मामले में थोड़ा सा देखिए अलग मैटर हो जाता है, क्योंकि फरहाद साम जी का डायरेक्शन, तो ट्रेलर को देखिए थोड़ा सा मिक्स रिस्पॉन्स मिल रहा है, उसमें भी लोग कमियां निकाल रहे हैं। आप देखें ट्विटर वो कमियां तो देखिए लोग निकालते हैं, पठान का भी टीजर आया था, ट्रेलर आया था, तो पठान के पीछे पड़ गए थे, भाईजान के पीछे पड़े, उसमें कमियां निकाल रहे हैं लोग। बाकी देखिए थोड़ी सी इस फिल्म की हाइप कहीं ना कहीं कम है, आप देखेंगे पठान की हाइप खतरनाक थी। और सलमान खान की फिल्मों की बात करें तो टाइगर 3 जो कि दिवाली पर आ रही, उस फिल्म की हाइप भी अलग ही लेवल पर, पठान के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को टाइगर 3 कहीं ना कहीं चैलेंज कर सकती है। लेकिन किसी का भाई किसी की जान, अच्छी ओपनिंग लेगी, बॉक्स ऑफिस पर अच्छी कमाई करेगी, लेकिन पठान के बाद सबसे बड़ी ओपनिंग मुझे लगता है कि पठान ने 55 करोड़ से ऊपर ओपनिंग ली थी, और मुझे नहीं लगता भाईजान इतनी बड़ी ओपनिंग ले पाएगी। भाईजान का मुझे लगता है कहीं ना कहीं कलेक्शन 30 से 35 करोड़ के आसपास जाएगा। और देखिए और भी सॉन्ग से भी फिल्म के आने, हो सकता है हाइप बढ़ जाए, फिल्म की देखने को मिले, तो भी 35-40 करोड़ से ऊपर फिल्म ओपनिंग नहीं ले सकती है। पठान का रिकॉर्ड नहीं टूटेगा पहले दिन का। बाकी देखिए उम्मीद करूंगा भाईजान अच्छी फिल्म निकले, पसंद आए लोगों को, ईद पर धमाल मचाए, फिर देखिए क्योंकि 21 तारीख को फिल्म रिलीज होनी है और शायद 22 या 23 तारीख को ईद पड़ेगी, ईद के मौके पर कलेक्शंस बढ़ेंगे। उम्मीद करूंगा अच्छी फिल्म निकले, फरहाद साम जी डिसअपॉइंट ना करें ऑडियंस को, फिल्म अच्छी निकले और शानदार कमाई करे, और पठान के बाद सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म साबित होगी भाईजान।